Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen our exercise 1.1. Today we are going to start our new topic. The topic's title is Representation of Rational Numbers on the Number Line. अब नंबर लाइन के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं. नंबर लाइन हम किसको बोलते हैं वो हम लोग 6th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं. A line on which we have इंडिकेटेड नंबर्स. जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके नंबर्स लिखे गए हैं. और ये जो लाइन है वो दोनों साइड से, दोनों छोर से आगे के आगे बढ़ती जाती है. जैसे ये जो है हम लोगों को नेचुरल नंबर्स के लिए बताया गया है, इसलिए एक ही छोर पे हम लोगों को बताई है. लेकिन ये जो है प्रॉपर आप लोग नंबर लाइन देख सकते हैं कि दोनों छोर पे आगे के आगे बढ़ जाती है. यानी दोनों छोर पे हम लोग जितने भी नंबर चाहे उतने नंबर्स लिख सकते हैं. तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन. ये जो नंबर लाइन है उस पर रैशनल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं या तो फिर कैसे उसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, तो वो आज हम लोग देखेंगे. तो रैशनल नंबर तक जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को हम लोग कैसे बताते हैं नंबर लाइन पे, या तो फिर उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो हम लोग पहले देखेंगे. सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम लोग इजीली जानते हैं नेचुरल है कि नेचुरल नंबर में जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है. नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें 1 से स्टार्ट होता है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन, मतलब कि आगे के आगे ऐसा नंबर बढ़ जाते हैं. उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है 1 एंड एंडिंग पॉइंट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लाइन जो है वो आगे के आगे बढ़ती ही जाती है. ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1, यानी कि 1 के राइट साइड. यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह ये जो नंबर लाइन है वो बढ़ती ही जाती है. यहाँ इसके लेफ्ट साइड जो है 1 के लेफ्ट साइड, उसको हम लोगों को उसमें कुछ भी नहीं मिलता. ये जो है वो नेचुरल नंबर्स के लिए है. नेक्स्ट जो है होल नंबर्स. तो होल नंबर्स के लिए आप लोगों के पास हैं, तो उसमें आप लोगों के पास स्टार्ट होता है 0. जैसे हम लोग जानते हैं होल नंबर्स की डेफिनेशन, तो होल नंबर की डेफिनेशन में क्लियरली कहा गया है 0 एंड नेचुरल नंबर. 0 कम्बाइंस विथ नेचुरल नंबर गिव्स यू होल नंबर. सो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, और उसके साथ हम लोग 0 ऐड कर लेते हैं. सो 0 से स्टार्ट होता है और राइट साइड पे आगे के आगे बढ़ता ही जाता है, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर्स के लिए अगेन आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया गया है. द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली टू द राइट. यहाँ पे भी ये जो लाइन है वो राइट साइड पे एक्सटेंड हो रही है, लेकिन ये जो लाइन है वो 1 से स्टार्ट हो रही है. जबकि बट फ्रॉम 0 देर आर नो नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0. ये जो लाइन है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि ये जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है 0 से. 0 से आगे के आगे वो लेफ्ट साइड पे बढ़ती ही जाती है. तो उस सॉरी 0 के 0 से आगे के आगे वो राइट साइड पे बढ़ती ही जाती है. लेफ्ट साइड पे उस पर कोई भी नेचुरल नंबर्स जो है वो हम लोगों को, कोई भी नंबर्स हम लोगों को नहीं मिलता, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स का सेट. अब नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में हम लोगों के पास कौन से नंबर्स हैं? एक तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे एंड 0 भी उसमें इंक्लूड होगा. तो उस जो सारे के सारे नंबर्स को कंबाइन करके हम लोगों के पास जो नंबर मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स. तो इंटीजर्स को अगर हम लोग नंबर लाइन पर डिफाइन करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि होल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे आएंगे. सो 0 से लेके सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आते जाएंगे, लेकिन उसमें 0 के राइट साइड भी कुछ आ रहा है, सॉरी 0 के लेफ्ट साइड भी कुछ आ रहा है. क्या आ रहा है? तो नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन. सो द नोटिफिकेशन फॉर इंटीजर्स इज द लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. डू यू सी एनी नंबर्स बिटवीन -1, 0, 0, 1? तो ये जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि इंटीजर्स में ये जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हैं, तो वो लाइन आगे के आगे बढ़ती ही जाती है दोनों छोर पे. अब ये जो दोनों छोर पे लाइन आगे के आगे बढ़ती ही जा रही है, एंड आप लोगों को क्या ऑब्जर्व करने को कहा गया है कि ये जो 0 से 1 है एंड 0 से -1 है, तो उसके बीच में आप लोगों को कुछ नंबर्स मिलते हैं.
आप लोगों को पता है कि ये कौन से नंबर्स हैं, तो वो हम लोगों को मिलते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में जो हम लोगों के पास अगर स्केल हो तो स्केल में हम लोग देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो लाइन्स ड्रॉ की हुई हम लोगों को मिलती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये रैशनल नंबर्स जो है वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम हम लोग आप लोगों को बताया था स्केल का एग्जाम्पल लेके, तो वहीं हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर को नंबर लाइन में लिखना चाहे तो उसको हम लोग देखते हैं। सो द लाइन्स एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, बट यू कैन नाउ सी नंबर्स बिटवीन -1 और 0 एंड 0 और -1 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो 0 के बीच में जो छोटे छोटे लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं हम लोगों को मिल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को स्केल में दिखाती हूँ, ये जो है आप लोगों के पास स्केल है। अब यहाँ से देखिए आप लोग तो 0, फिर ये जो है वो एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, एंड पांचवी लाइन जो है वो बड़ी दी गई है। तो ये पांचवी लाइन जो है ये 0 और 1 के बीच का आधा हिस्सा बताती है। तो यही हम लोगों को इस जो नंबर लाइन ड्रॉ की गई है उसमें भी बताया है आधा हिस्सा, यानी 1/2। 1/2 यानी कि इन दोनों के बीच के आधा डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस एंड यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1/2। सो -1/2 नेगेटिव साइड हम लोग जाएं या तो फिर लेफ्ट साइड 0 के हम लोग जाएं तो हम लोगों को मिलता है -1/2, एंड 0 के अगर हम लोग राइट साइड जा रहे हैं तो हम लोगों को मिलता है +1/2। ऐसे करके आप लोगों को बहुत सारे नंबर मिलते हैं, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। आप लोग जितना इसका डिवीजन करना चाहे उतने सारे आप लोगों को नंबर्स मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो क्या था कि रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन 4, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को हाफ वे बिटवीन 0 और 1 हैज बीन लेबल्ड 1/2। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है वो आधा आधा हिस्सा दोनों साइड हम लोगों को मिलता है, ये नेगेटिव साइड है, ये जो है वो पॉजिटिव साइड है, राइट साइड ऑफ 0 है, ये जो है लेफ्ट साइड ऑफ 0 है, तो वो आधा हिस्सा हम लोगों को बताता है, इंडिकेट करता है। फिर नेक्स्ट जो नंबर लाइन है ये वाली, उसमें हम लोगों को 1/3 का लेबल दिया गया है, यानी कि ये जो है वो कैसे डिवीजन करेगा, तो 0 और 1 का जो डिवीजन कर रहा है वो 1/3 पार्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया गया है, ऐसे करके आप लोग जो है बहुत सारे नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं तो यहाँ पे 0 से लेके 1, 2, 3, तो इसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम लोगों को बताए गए हैं। अगर आप लोगों को देखना हो तो ये जो है द पॉइंट टू बी लेबल्ड एज ट्वाइस एज फार फ्रॉम एंड राइट टू ऑफ 0 एज द पॉइंट लेबल्ड 1/3। ये जो है वो अगली वाली जो नंबर लाइन थी ना, ये हमारे पास उसके बारे में बात की गई है, ये जो है वो 1/3 हम लोगों को मिला है उसके लिए। अब नेक्स्ट जो है, तो ऐसे करके आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स जो है वो मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ये नंबर लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पार्टीशन है 0, तो 0/3 वी हैव 0, राइट। फिर 1, ये जो है सारे के सारे नंबर्स हैं उसको 3 से डिवाइड किया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 0 और 1 जो है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहे हैं, तो 0 को 3 से डिवाइड किया है, फिर 1 को 3 से डिवाइड किया है, 2 को 3 से डिवाइड किया है, 3 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 1। तो ये जो है 1/3 पार्टीशन बताता है। जैसे हम लोगों ने हाफ हाफ पोर्शन देखा था 1/2 दोनों साइड, -1/2 एंड +1/2, वैसे ही यहाँ पे जो है वो थर्ड पार्ट बता रहे हैं, जैसे 1/3, 2/3, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, कितना होगा 1/3, इसका भी 1/3। अब 1/3 +1/3 आप लोग करो तो 2/3 मिल जाता है, +1/3 अगेन करो तो आप लोगों को 1 मिल जाता है। तो यही इसमें बेसिकली डिफरेंस जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट जो है 4/3, 5/3, 6/3, ऐसे करके पार्टीशन बताए गए हैं, एंड पार्टीशन जो हम लोगों को मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। वैसे ही यहाँ पे एक और नंबर लाइन है, यहाँ पे जो था वो थर्ड पार्ट, यानी कि 3 से डिविजन किया गया था, थर्ड पार्ट हम लोगों को फाइंड करने को बोला गया था। यहाँ पे जो था तो वो 8th पार्ट जो है वो डिफाइन किया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8, इट गिव्स यू
वन। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे नाइन्थ पार्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, फिर फोर्थ पार्ट जो है वो भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये जो है रैशनल नंबर्स आप लोगों को नंबर लाइन पे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स जो हैं, दो अगर हम लोग रैशनल नंबर ले लें, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक जो है वो होल नंबर लिया था एंड वन जो था वो भी होल नंबर लिया था, जीरो एंड वन बोथ आर होल नंबर्स। अब उसके बीच में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या करना है कि ये जो दोनों रैशनल नंबर हैं उन दोनों रैशनल नंबर के बीच एक और रैशनल नंबर अगर हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।